हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है शुभम झा एंड आज है ये सेवेंथ स्टैंडर्ड का लेक्चर टू फ्रॉम चैप्टर वन, लिविंग ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं रिलेटेड टू एडेप्टेशन और अभी हम लोग शुरू करते हैं। गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन कि आपको जब भी मैं वीडियोज डालूँ तो आपको मिल जाए। बट मेरा कोशिश रहेगा कि मैं हर अल्टरनेट डे एक वीडियो आपके लिए डालूँ ही डालूँ। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ उससे पहले एक बार जस्ट हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या नहीं पढ़ा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। ओके तो हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक की एडेप्टेशन से रिलेटेड कि एडेप्टेशन हमें क्यों पढ़ना है, राइट। उसके बाद हमने एक ये आप लोगों को मैंने कहा था कि ये इसके नीचे आप आंसर करो, एंड उसके बाद मैंने हम लोगों ने एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स देखा था, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स एंड दैट एडेप्टेशन इन स्नोई रीजन्स। तो हमने खाली ये तीन चीज़ें देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड सो ऑन, यहाँ से लेके यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक तो हम लोग देखेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर हम लोग एडेप्टेशन ऑफ प्लांट इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन, तो व्हाट इज मीन बाय फॉरेस्ट रीजन अकॉर्डिंग टू यू, कि अगर हम लोग फॉरेस्ट रीजन की बात करें तो फॉरेस्ट रीजन मतलब वो इलाका जहाँ पे जंगल हो, राइट। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं, आप यहाँ पे देखो ये डायग्राम में आप देख रहे हो कुछ बहुत बड़े पेड़ है, कुछ छोटे पेड़ है, कुछ वो सबसे बड़े पेड़ है, राइट। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ही अच्छे से समझना है। तो चलिए हम लोग लाइन टू लाइन देखते हैं। अ वराइटी ऑफ प्लांट्स ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। अ वराइटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे तो अलग अलग पेड़ श्रब्स, ठीक है, और हर्ब्स आपको फाउंड होंगे इन फॉरेस्ट में। दिस प्लांट्स कम्पीट अमॉन्ग्स देमसेल्फ फॉर सनलाइट, और यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना ये आपस में ही कम्पीट करते हैं। व्हाई दे कम्पीट अमॉन्ग देमसेल्फ, सपोज करो कि ये एक जंगल है और यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है, यहाँ पे एक छोटा पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारा पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है। तो अब जो सबसे ऊपर वाला पेड़ होगा उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगा, जो सबसे ऊपर वाला पेड़ होगा उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगा, लेकिन नीचे वाले पेड़ पौधों को तो इतना सनलाइट नहीं मिलेगा। तो देयर फोर यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कम्पीट करते हैं अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर द सनलाइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। Hence the trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of trees. यहाँ पे इसलिए जो trees होते हैं वो बहुत ही ऊँचा उगते हैं, जो trees होते हैं बहुत ऊँचा उगते हैं, और जो climbers होते हैं वो उनका support लेकर के ऊपर तक जाते हैं, right? और spring-like tendrils, ठीक है, spring-like tendrils on the stem of some climbers is an example of the adaptation. तो आप देखोगे ना कुछ, अगर आप जंगल में देखते हो तो ये सपोज कर लो एक स्टीम है तो उसके ऊपर ऐसे टेंड्रिल्स, छोटे 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 ऐसे पेड़ उस पर बांध करके ऊपर की तरफ जाते हैं, क्लाइंबर्स एंड टेंड्रिल्स, राइट। क्लाइंबर्स ऑफ द टेंड्रिल्स ऑफ द क्लाइंबर्स गोज अप, व्हाई, ये एक एडेप्टेशन है कि वो कंपीट करते हैं फॉर द सनलाइट। गाइज तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड, इन ग्रासलैंड प्लांट, ठीक है। तो ग्रासलैंड में जो प्लांट होते हैं उनकी एडेप्टेशन, तो यहाँ पे देखो ग्रासलैंड मतलब जो ग्रास के पास होते हैं। डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में अगर आप जाओगे तो डाइवर्स मतलब बहुत सारे टाइप के, आपको डाइवर्स मतलब बहुत सारा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के बुशेस और क्या मिलेंगे आपको, ग्रासेस मिलेंगे। फाइब्रियस रूट ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो फाइब्रियस रूट होता है ग्रासेस का मतलब ग्रास जो होगा, जो घास होता है उसका जो रूट होता है फाइब्रियस होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही घना होता है, वो क्या करता है सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है। व्हाट इज मीन बाय, दोस्तों अब यहाँ पे एक वर्ड आया सॉइल इरोजन, ठीक है, तो अब बताओ मुझे सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब बेसिकली होता है कि जब बारिश होती है तो पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ मिट्टी भी बह जाता है, राइट, इट फ्लो अवे द सॉइल टू। तो इसके उसी को रोकने के लिए हम लोग जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ मिट्टी पकड़ के रखती है तो उसको फ्लो नहीं होने देती है, राइट। अभी आगे बढ़ते गाइस हम लोग, एंड आगे देखो ग्रासेस इन द इक्विलेटरल रीजन आर वेरी टॉल। इक्विलेटरल रीजन में अगर आप देखोगे तो ग्रासेस कैसे होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर, ठीक है, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस, और इतने लंबे लंबे होते हैं कि उसमें बड़ी बड़ी जानवर, हाथी इतना बड़ा जानवर भी छुप सकता है, हिडन मतलब छुप के रहता। हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट, अगर आप कोल्ड रीजन की बात करोगे तो वहाँ पे ग्रासेस काफ़ी छोटे होते हैं। एंड एनिमल्स लाइक रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस, वहाँ पे छोटे छोटे रैबिट जैसे छोटे जानवर ही छुप सकते हैं और वैसे ही जानवर मिलते हैं। वास्ट मिडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन, तो इस तरीके के बहुत सारे मतलब छोटे मतलब मीडियम साइज के जो पेड़ पौधे होंगे ना वो आपको मिलेंगे कहाँ पे, हिली रीजन एरियाज में और प्लेन्स में, राइट। तो गाइज यहाँ पे जो वर्ड मिडोज है, इस मिडोज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि मिडोज का मतलब है बेसिकली कि
मतलब जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो, ठीक है, फील्ड ऑफ ग्रास, ठीक है, फील्ड ऑफ ट्रीज, उसको बोल लो मीडोज बोलते हैं। तो ये हिली एरियाज में और प्लेन्स में भी दिखता है। तो गाइज अभी यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है जो आप पढ़ लेना, काफी छोटा सा सिंपल सा चीज है जो आपको समझ जाएगा, बहुत ही बेसिक सा है। अभी यहाँ पे हम लोग का अगला जो पॉइंट है ये वाला हमें अच्छे से डिस्कशन करना है इस लेक्चर में, बस यहीं तक करेंगे। लेक्चर टू है, राइट। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि लेक्चर थ्री में हम एडेप्टेशन इन एनिमल्स को देखेंगे, ठीक है, ये सारा पार्ट हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ तक देखेंगे हम लोग लेक्चर थ्री में। एंड लेक्चर फोर में हम लोग ये पूरा पार्ट देखेंगे, ठीक है, एंड लेक्चर फाइव में हमारा ये वाला पार्ट होगा, एक्सक्लूसिवली ये वाला पार्ट होगा, या फिर लेक्चर फोर में। तो इस तरीके से चार से पांच पार्ट में हम पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म कर देंगे, एंड बाकी सारे चैप्टर्स भी डिपेंड्स ऑन कि इसका साइज कितना, हम इस तरीके से खत्म करते चले जाएंगे। तो गाइज चलो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एडेप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड्स इन प्लांट। तो गाइज अभी सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो वर्ड है इंजेशन, इसका मतलब क्या होता है। इंजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम फूड को अंदर लेते हैं, ठीक है। इंजेशन मतलब पचाना नहीं होता, खाना नहीं होता, फूड को अंदर लेने का प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। मैं देखो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इंजेशन। गाइज जो जो वर्ड्स को मैं हाईलाइट करूँ या फिर यहाँ लिखूँ आपके लिए, आप समझ जाओ कि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इफ यू आर इन सेवेंथ स्टैंडर्ड। तो चलो वो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और देखते क्या होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड। अभी व्हाट इज मीन बाय एंकर्ड, मतलब जमीन के अंदर, ठीक है, इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉपिक। काफी सारे जो पेड़ होते हैं वो जमीन के अंदर की तरफ जाते हैं, और वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। गाइज एक और वर्ड आया ऑटोट्रॉपिक, क्या आया दोस्तों, ऑटो ट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो प्लांट्स होते हैं जो धूप की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, जो धूप की मदद से खाली अपना खाना बनाते हैं, जो अपने आप पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, किसी और थर्ड चीज या फिर सेकंड चीज पे डिपेंड नहीं होते हैं। हाउ अ प्लांट्स लाइक डॉडर, ठीक है, कुसकाटा उसको कहते हैं, आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक अभी एक और वर्ड आया पैरासाइटिक, गाइज क्या आया, पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो खुद ऑटोट्रॉपिक नहीं, वो किसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो पैरासाइट है, वो किसी के अंदर से अपने न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, खींच के लेगा, ठीक है। द प्लांट, अभी गाइज यहाँ पे देखो, द प्लांट बॉडी ऑफ डिडोर कंसिस्ट ऑफ येल्लो वायर लाइक स्ट्रीम्स। यहाँ पे देखो आप ये डायग्राम में देख पा रहे होगे, बेसिकली यहाँ पे कैसा है, वो येल्लो वायर लाइक स्ट्रीम्स है, वायर के जैसे हैं, ठीक है। इट इज लीफलेस एंड कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर लीफ नहीं होता और इसके लिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं ना, वो धूप की मदद से जो अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हाउएवर इट हैज अ हॉस्टोरिकल सकिंग, ठीक है, देखो इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लिखा है, सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। मतलब लेकिन ये क्या करता है, ये जो येल्लो येल्लो आपको दिख रहा है ना, ये येल्लो वाले दूसरे पेड़ के अंदर घुसेड़ देता है, ठीक है, दूसरे पेड़ के अंदर चला जाता है, ठीक है, इंसर्ट कर देता है और उससे उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मच्छर, ठीक है, मच्छर क्या करता है, वो खाना खुद बनाते हैं कि नहीं, मेरे ब्लड पे आएगा, मुझे काटेगा मेरे मुंह पे और यहाँ से न्यूट्रिशन लेके चला जाएगा। लाइक दैट ही ये जो पेड़ है डॉडर का, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। द रूट्स पेनेट्रेट ऑन टू अप टू द कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ द होस्ट एंड टू ऑब्जर्व द वाटर एंड फूड। और जो भी होस्ट होगा उसका जो कंडक्टिंग वेसल होगा, जिससे उसका फोलम और जाइलम होता है बेसिकली, ठीक है, जिसमें उसका फूड और वाटर जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, वहां तक उसके रूट्स जो होता है पेनेट्रेट करते हैं, वहां से एनर्जी ले लेते हैं, वहां से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। चलो दोस्तों अभी अगला है फंगी। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब क्लोरोफिल नहीं है तो मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, यस, ये एक और वर्ड है जो मैं आपको बता देता, इसको भी आप याद रखना, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, बेसिकली ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो ग्रीन कलर प्लांट को देता है। प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण, और इसी कारण से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं, एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ लाइक भाखरी एंड ब्रेड। मतलब जो भी चीज थोड़ा सड़ गया है, पुराना है, उसमें से वो स्टार्ची मतलब स्टार्च वाले पेड़, मतलब स्टार्ची मतलब स्टार्च एक फूड का इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जो रोटी भाखरी ये सब में होता है, तो वहां से लेता है अपना, ठीक है। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इनके पास रूट्स जैसे फाइबर होते हैं, मतलब जो रूट्स की तरह फाइबर्स होते हैं इनके पास, ठीक है, जिससे क्या करता है, फूड एब्जॉर्ब करता है, बेसिकली फूड एब्जॉर्ब करता है। और आगे देखो यार क्या है, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को ये सारी चीजें चाहिए होती है अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो इन द सॉइल विच इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। अभी ये सारी चीजें चाहिए, फॉस्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन ये सब चाहिए, लेकिन कोई प्लांट ऐसा है जो ऐसे जमीन में उग रहा है जहां पे ये न्यूट्रिशन नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ऐसे टाइम में क्या अडेप्ट करता है वो देखो आप, लाइक डोरेशा, ठीक है, ड्रोसेरा सैंडियो, ये जो प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप,
पिचर प्लांट, ठीक है, ये सारे जो प्लांट है इनके पास नाइट्रोजन लेने के लिए जमीन में नहीं होता, तो ये क्या करते हैं उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब उसको खा लेते हैं, ठीक है, देखो कैसे करेंगे एक्सेट्रा। फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट, ये अपने नाइट्रोजन का नीड कैसे पूरा करता है, बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। ये जो पेड़ है वो इस तरीके से खुलता है, देखो ये वाला, देखो ये कैसे शार्क के मुंह जैसा दिख रहा है, राइट, ये वाला देखो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर ब्लैक कलर रेड कलर से लेता हूँ तो आपको समझेगा ये डायग्राम में ये कैसा होता है, इस तरीके से खुलता है और इसमें इंसेक्ट गया तो ये बंद हो जाता है और उसको खत्म कर देता है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एडेप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैपिटेट। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना गाइस, ये थोड़े इसमें ना खुशबू होती है, बहुत अच्छी सी खुशबू होती है और ये बहुत खूबसूरत दिखता है, तो इंसेक्ट क्या होता है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इंसेक्ट इसकी तरफ खूबसूरत की चीजों की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर क्या करता है ये उनको अपना होस्ट बना लेता है, राइट, उनको क्या करता है उनको अपना खाना बना के अपने नीड को पूरा करता है। तो गाइज यहां तक हमने काफी कुछ समझा, ये लेक्चर को मैं शॉर्ट रखता हूँ, जस्ट मैं देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये बाकी चीजें भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन जस्ट आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और आप थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीखो, दैट इज द रीजन कि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। बट गाइज हम लोग पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल, और देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे 10 स्टैंडर्ड के वीडियोस देखोगे, 9 स्टैंडर्ड के वीडियोस देखोगे तो मैं खुद ही कहता हूँ कि मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने में बिलीव नहीं करता, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड ना, तो आई बिलीव इन इट कि लाइन टू लाइन पढ़ाना चाहिए। द रीजन इज दैट कि बच्चा जो 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड का बच्चा होता है वो टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ने जाता है, एंड जब वो पढ़ने जाता है तो उसको वर्ड्स ही समझ नहीं आते, ठीक है, तो वर्ड्स नहीं समझ में आते तो उसको पता नहीं चलता, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, दैट इज द रीजन कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ। गाइज ट्रस्ट मी, इट्स अ प्रॉमिस कि 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड, ठीक है, पूरा का पूरा मैं आपको जितना आपको उस पैराग्राफ में लिखा है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास दूंगा। तो गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, और लाइक द वीडियो, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा और उनको अच्छा लगा, कितने लोगों ने पूरा देखा, तो आप लाइक कर दो, क्योंकि देखो मैं काफी एंड में बोल रहा हूँ लाइक कर दो, तो आप लोग लाइक करोगे तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, ठीक है, तो प्लीज लाइक द वीडियो जस्ट टू मार्क कि मैंने यहाँ तक देखा है। एंड गाइज शेयर अमंग योर फ्रेंड, आपके जितने भी दोस्त होंगे 7 स्टैंडर्ड में उन सबके साथ शेयर करो, इनफैक्ट आप अपने 8वीं 9वीं 10वीं बड़े भाई बड़ी बहन दोस्त के भाई किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम सारे वीडियोस डालते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू हो रहा है गाइस तो प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है, आप बच्चों कमेंट करो तो उस कमेंट का रिस्पांस आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। इस वीडियो में तो मैंने कुछ भी ऐसा आपको बोला नहीं कि इस चीज के बारे में कमेंट करो, और लास्ट वीडियो में जो बोला था उस वीडियो को देखो अगर आपने नहीं देखा, और उसके नीचे वाला पार्ट आप कमेंट करो, वेटिंग फॉर योर कमेंट, वेटिंग फॉर द इंक्रीजिंग अमाउंट्स की 7 स्टैंडर्ड के बच्चे बढ़े तो मुझे भी पता चला कितने लोग देख रहे हैं, बट हम लोग सब कुछ डालने वाले। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।